हमारे एडिटर इन चीफ संजय पोगलिया जी भी हमारे साथ स्टूडियो में आ गए। संजय जी स्वागत है आपका। आप किस तरह से देखेंगे अभी जो बजट आया, हालांकि अंतरिम बजट है, बजट भाषण भी बहुत छोटा केवल एक घंटे का था और कोई बड़ा ऐलान नहीं, आयकर की दरों में कोई परिवर्तन नहीं, तो उस तरह से देखा जाए तो एक जो परंपरा है उसको कायम भी रखा है कि कोई बड़ा ऐलान ना किया जाए। मैं वही पूछना चाह रहा था आपसे दरअसल। एक तो ये कि छठा है इनका एफएम का ये स्पीच और सबसे छोटा स्पीच है। इसके पहले का स्पीच सबसे बड़ा था पिछले साल वाला जो था, और इनकम टैक्स में रियायत राहत नहीं दी, तो इससे अखिलेश शर्मा को खुद को कैसा लग रहा है? नहीं देखिए, ये तो निराशाजनक है। मुझे दो तीन राहत की तो उम्मीद थी, हम कुलदीप सर से भी बात कर रहे थे कि कुछ ना कुछ तो राहत मिलती, क्योंकि चुनावी साल है ना, आदत लग गई है कि चुनाव आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। लेकिन मोदी जी का मैं आपके आने से पहले ये जिक्र कर रहा था सुमित को कि जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब भी वो एक बड़ी लाइन जो है वो खींच के रखते थे कि जो वेलफेयरिज्म है वो अलग है और साथ ही फिस्कल डिसिप्लिन है वो क्या है। रेवड़ी संस्कृति के खिलाफ वो तब भी थे, आज भी हैं, लेकिन हाँ, जन कल्याण हो, लोगों के हाथ में पैसा है, वो अलग बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो बजट भाषण मैंने सुन करके कुछ पॉइंट मेरी समझ में आए, उसमें ये कहा जा सकता है कि बिग पिक्चर क्या है। बिग पिक्चर ये है कि अब ये जो सरकार है ये एक नई जुबान दे रही है पूरे डिस्कोर्स को, और देश को देखती है चार जाति में। वो जात क्या है? महिला, किसान, युवा और गरीब। तो इन अ लाइटर वेन आप कह सकते हैं कि चार जात की बात है और 400 सीट की बात है, क्योंकि चुनावी साल है। तो मन की बात तो शायद यही होगी कि ये एक बजट ऐसा है जो ये मैसेजिंग दे कि हम कितना एम्बिशियस प्लान लेकर के चल रहे हैं। उसके पहले वो अपना ट्रैक रिकॉर्ड बता रही हैं वित्त मंत्री, और उसमें देखें दो तीन डेटा मैं जिक्र करना चाहूँगा। पिछले 10 साल में 23 करोड़ लोगों को गरीबी से, मल्टी डायमेंशनल गरीबी से बाहर निकाला गया, या 43 लाख करोड़ रुपए मुद्रा लोन के जरिए पहुंचाए गए लोगों के पास, या 70 लाख महिलाएं ऐसी हैं जो अपने घरों की मालकिन है, 70% महिलाएं जो भी घर मिले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में, या एक चौथा डेटा आप देखिए कि 34 लाख करोड़ रुपए जनधन योजना से लोगों तक पहुंचे हैं। तो जो एक बड़ी चीज हुई है पूरे पॉलिटिक्स में या देश को चलाने में, वो ये है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का सेक्युलराइजेशन हो गया है। ये अब उस लेवल पर चला गया है जो मोस्ट इफिशियंट स्कीम है। दुनिया भर में इस प्रकार का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना नहीं है जो लोगों तक सीधे ये फायदा पहुंचा सके। इसीलिए जो हम लोग बातूनी मिडिल क्लास हैं, उनको निराशा हो जाती है कि इनकम टैक्स में राहत नहीं दी। इनकम टैक्स की राहत अब एक इस पूरे पीस का बहुत छोटा सा हिस्सा बन गया है। जॉब क्रिएशन पर देखिए, दर्जनों बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं। एक का सिर्फ एग्जाम्पल ले लीजिए, सोलर एनर्जी के बारे में ये कहा गया है कि लोग अपने घर पे सोलर एनर्जी का सिस्टम लगा लें, जॉब क्रिएशन होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, लोगों को सस्ती बिजली मिलेगी, और जो बिजली इतनी सस्ती मिलेगी कि आपको तो फ्री में दे दी जाएगी 100 यूनिट तक के लिए। तो ये भी एक नया लेयर है बॉटम ऑफ पिरामिड के लेवल पर जॉब क्रिएशन करने का। तीसरी चीज है इंफ्रास्ट्रक्चर का पुश। बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा निकाला है, 11 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी योजनाओं पर, वो बहुत बड़ी एक्टिविटी जनरेट करेगा और वो जॉब क्रिएटिंग एक्टिविटीज होती हैं। इसलिए जो 7% ग्रोथ की बात है, वो इससे इस बजट के जरिए, अंतरिम बजट के जरिए कैसे पहुंचा जा सके, उसका एक खाका है। और चाहती वित्त मंत्री तो बहुत सारे अनाउंसमेंट कर सकती थी जो पॉपुलर स्कीम होती हैं, जो मिडिल क्लास को पॉपुलर लगती हैं, वो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो क्लास पहले से ही सरकार के पूरी तरह से साथ में है। अर्थ ये हुआ कि जो फंडामेंटल्स मजबूत करने हैं देश के, ग्रोथ की जरूरत को पुश करने के लिए फोकस उस पर है, काफी कुछ विजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, काफी कुछ इनविजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर पे। और कुल मिलाकर के आप देखिएगा तो ये पाइएगा कि वो सारे फंडामेंटल्स अब एक जगह इकट्ठा हो गए हैं जो इस ग्रोथ इंजन को जोर से प्रोपेल करें, इसको कोई रोक नहीं सकता। और इन सारी चीजों में जो एक सेक्टर हमेशा थोड़ा सा पीछे रहता था बड़े सेक्टर्स के सामने, वो था ट्रैवल, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी का, वो एक नया मुकाम देखेगा। ये वो सेक्टर है जिस पर बहुत जल्दी से काम हो सकता है, जेस्टेशन पीरियड ज़्यादा नहीं हो सकता, बहुत जल्दी से आप होटल बना सकते हैं, लॉज बना सकते हैं, सड़कें बना सकते हैं, डेस्टिनेशंस को क्लीन कर सकते हैं, लोग उसको देखने जा सकते हैं। ऐसे भी जो आंकड़े हैं वो बहुत बड़े हैं टूरिज्म के, 8 करोड़ लोग अगर एक तीर्थ स्थल पे जा रहे हैं बनारस में, या वो आंकड़ा 13 करोड़ तक भी कहीं
कहीं कहीं पब्लिश हुआ है, इससे पता लगता है कि किस प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो रही है जो आपको दुनिया की लार्ज इकोनॉमीज में सबसे फास्ट ग्रोथ के लिए प्रोपेल करेगी। इस बजट का थ्रस्ट यही है, जिसको कि उन्होंने समराइज किया इस तरीके से कि रिफॉर्म करिए, परफॉर्म करिए और ट्रांसफॉर्म करिए। तो भारत की इकोनॉमी अब पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेज पर बड़े टेक ऑफ के लिए रेडी हो चुकी है। ये बजट उसको और मजबूत करने के कमिटमेंट दे रहा है जी। तो क्या आप इस बात को भी मानेंगे संजय जी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के इलाके में जिस तरह के इन्वेस्टमेंट की बात की गई है, चाहे वो रेलवेज की बात हो, चाहे वो वंदे भारत की बोगियों को अपग्रेड करने की बात हो, मेट्रो की बात हो, ये तमाम ऐसी चीज़ें जिससे जॉब जनरेशंस भी होंगे? बिल्कुल जॉब जनरेशन होंगी। जॉब के बारे में जो एक लगातार कमेंट्री आती है, जो एक क्रिटिसिज्म आता है सरकार के बारे में सुमित, वो यही तो आता है ना कि जॉब, एम्प्लॉयमेंट और महंगाई, ये दो बातें हम लोग कोट करते हैं कि यहाँ पर दिक्कत है, और तीसरी बात कहते हैं कि इनइक्वालिटी। ऑफकोर्स इनइक्वालिटी है, उसी को ब्रिज करने के लिए दुनिया का सबसे मैसिव वेलफेयर और बेनिफिट प्रोग्राम हमारे देश में चल रहा है। जहाँ तक जॉब क्रिएशन की बात है, इस पर एक बात पर ध्यान दीजिएगा, आप कस्बों में जाइए जहाँ सुबह जाकर के हम मजदूरों को उठाते हैं, छोटे कॉन्ट्रैक्टर, बड़े कॉन्ट्रैक्टर, अपने घर के काम के लिए, वहाँ पर इनकी डेली की जो तनख्वाह है, इनका जो डेली वेज है, वो बहुत बढ़ गया है। इसका मतलब वहाँ पर लोगों को काम की ज़रूरत है, लोगों को मजदूर चाहिए और कम मिल पा रहे हैं, इसलिए उनको वो पैसे ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। तो जॉब क्रिएशन बहुत सारे लेवल पर हो रहा है, कोई ये नहीं कह सकता कि हम आइडियल और परफेक्ट सिचुएशन में पहुंच गए हैं, लेकिन अब जो एक्टिविटी होगी, ये भारत में जितनी एक्टिविटी अभी चली है उससे कई गुना ज़्यादा रफ्तार से तेज़ी पकड़ेगी, इसीलिए जॉब क्रिएशन भी अब यहाँ से बेहतर ढंग से होगा। और अगर एक बात जो करें, जो कि सिर पर हमेशा कहते हैं कि खतरा मंडराता रहता है, वो है फिस्कल डेफिसिट का। बजट घाटा 5.6% का आकलन किया गया और लक्ष्य जो है 2026 तक कह रहे हैं कि 4.6% रख देंगे। हर सरकार ये वादा करती है और आप जानते हैं कि इसके लिए कानून भी बना हुआ है कि हमें इसको हमेशा नीचे रखना है, लेकिन अगर ये घाटा बढ़ता जाएगा तो ये सरकार के लिए आने वाले वक्त में दिक्कत पैदा नहीं करेगा? नहीं, देखिए इस साल का 5.8, उसके बाद अगला साल जो होगा उसके लिए 5.1 का लक्ष्य रखा गया है, और उसके बाद वाला 26 के लिए 4.6 का लक्ष्य रखा गया है। ये हमारी आइडियल सिचुएशन से थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन बहुत खतरे की बात नहीं है। जैसा आपने खुद अभी जिक्र किया कि फिस्कल डिसिप्लिन और फिस्कल प्रूडेंस के मामले में प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत ही सख्त हैं, वो सख्ती करीब करीब बरकरार रहेगी। इनफैक्ट इस बार थोड़ा रूम था कि और ज़्यादा खर्च करने के लिए अभी वित्त मंत्री बहुत सारा अनाउंसमेंट कर सकती थी बड़े नए खर्चों का, वो उन्होंने एक तरीके से नहीं किया है, सिर्फ एक इंटेंशन बता दिया है कि हम कितने एलोकेशंस को बढ़ाने जा रहे हैं जो बड़े ग्रोथ पिलर्स हैं उनके लिए। तो ये कोई बहुत फिक्र की बात नहीं है, ग्रोइंग इकोनॉमी में इतना मैनेज हो सकता है, लेकिन हाँ ये हमारे आइडियल सिचुएशन से थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन कैपेक्स की आप जो बात करें, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने की बात की, एक इरादा उन्होंने जाहिर कर दिया, और इसमें भी वो आंकड़ा एक देते हैं कि जब यूपी की सरकार थी तब क्या था और अब कितना हमने कर दिया, 4 लाख करोड़ से बढ़ा करके 11 लाख करोड़ कर दिया है। तो यहाँ पर भी वो कॉन्ट्रास्ट दे रहे हैं, तो इस पर एक पॉलिटिकल मैसेज भी देने की कोशिश लगातार सरकार की ओर से हो रही है कि तब क्या हालात थे, अब क्या हालात, तो व्हाइट पेपर लेके आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज और है जो मेरा क्रीब अगर मैं इसमें कहूँ तो वो एक है, और हो सकता है कि सरकार आगे करे, सरकार का इंटेंट है, लेकिन वो काम ठीक से वो कभी कर नहीं पाई है, वो है डिसइन्वेस्टमेंट वाला, प्राइवेटाइजेशन वाला। तो 3 क्रिटिकल मुद्दे हैं जो हम कहते हैं ना कि हमको 30 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जाना है और हम दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी तो ऐसे ही बन जाएंगे हमारे नॉर्मल ग्रोथ पे, लेकिन दरअसल भारत को एक इक्वल मिडिल इनकम कंट्री बनाने के लिए जिस पर कैपिटा इनकम की जरूरत है उसके लिए 7 नहीं 9% ग्रोथ की जरूरत है। कम से कम 9% हो तो वो खुशहाली हमारी अगली वाली जेनरेशन ठीक से देख पाएगी, भोग पाएगी। उसमें 3 जो बड़ी चीजें हैं हमको लगता है कि उस पर काम करने की जरूरत है, और ये पॉलिटिकली सेंसिटिव एरियाज हैं। नंबर 1 प्राइवेटाइजेशन। अभी जो सपोर्ट इस सरकार के लिए है उसमें मुझे नहीं लगता है कि सरकार को कोई फिक्र करनी चाहिए कि प्राइवेटाइजेशन को लेकर के पब्लिक मूड नहीं है। पब्लिक मूड बिल्कुल एक तरफ कैपिटलिज्म के पक्ष में है तो दूसरी तरफ सोशलिज्म के पक्ष में है, और उसके बीच में आपकी क्रेडिबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि आप चाहें तो प्राइवेटाइजेशन पर अग्रेसिव हो सकते हैं, जो ग्रोथ को पुश करेगा। दूसरी 2 चीज़ें और हैं, वो हैं लैंड और लेबर। यहाँ पर एक कॉशन, एक सहमापन है
पॉलिटिकल कारणों से है, लेकिन मुझे लगता है कि यहां पर भी अभी इतनी ज्यादा क्रेडिबिलिटी, इतना ज्यादा ट्रस्ट कैपिटल है इस सरकार के पास कि वो चाहे तो बहुत आसानी से इन तीन बड़े क्रिटिकल मुद्दों पर काम कर सकती है। ये मुझे लगता है कि ये एक प्रकार का WIP है या थोड़ा पेंडिंग एरिया है। तो क्या ये मान के चले संजय जी, 2024 के बाद जो प्रधानमंत्री कॉन्फिडेंट थे, कल जिन्होंने अपना संसद के पहले भाषण दिया, उससे लगा कि वो 24 में आने की तैयारी पूरी है सरकार की, इसमें कहीं कोई शको शुभा नहीं था, आश्वस्त थे। तो ये जो तीन क्रिटिकल एरिया आपने बताया, प्राइवेटाइजेशन, शको शुभा नहीं था, लेकिन अब मेरी एक फरियाद है, मेरी एक प्रॉब्लम है जी, वो ये अखिलेश की चुनाव कितना बोरिंग हो गया है, प्रिडिक्टेबल हो गया है, 300 की 400 बजट और अर्थशास्त्र की बात हो रही है। मीडिया वो सेक्टर है जिसमें सरकार की मदद की जरूरत है, सरकार को थोड़ा सा सपोर्ट हमको करना चाहिए, हमको TRP चाहिए होती है चुनाव में, लेकिन ये ऐसा चुनाव है जो इतना प्रेडिक्टेबल हो गया है। बिल्कुल, हमारी रोजी रोटी का ध्यान रखें। मेरा सवाल सर आपसे था, वो मैं चाहूंगा उस पर जरूर अंडरलाइन करिए आप, प्राइवेटाइजेशन एक बड़ा क्रिटिकल पॉइंट आपने छुआ। सरकार के पास मैंडेट है 10 साल से, 273, उसके बाद 303, और अब राम मंदिर की हवा, माहौल देश का जो दिख रहा है, क्यों प्राइवेटाइजेशन को लेकर सरकारें सेंसिटिव रहती हैं, क्यों उस चीज़ को छू नहीं पाती हैं? एक समय था जहां पब्लिक मूड में, आप उनको गरीब कह लें, वर्कर कह लें, ऑर्गेनाइज सेक्टर वाले लोगों को कह लें या मिडिल क्लास को कह लें, उनको थोड़ी सी आशंका थी जिसको दूर करने में वक्त लगा, लेकिन जो लोग इन मुद्दों को उठा रहे थे उनकी जुबान, पॉलिटिकल जुबान अब इतनी पुरानी है, इतनी ऑब्सोलेट हो गई है कि वो खुद को मार्जिन के, हाशिए के बाहर कर चुके हैं, इररिलेवेंट बना चुके हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये सरकार भी शायद कहीं कॉशस है कि इसको लेकर के पब्लिक सपोर्ट नहीं है। मेरा मानना है जबरदस्त पब्लिक सपोर्ट है, लेटेंट पब्लिक सपोर्ट है, आप करेंगे तो आपको सपोर्ट मिलेगा, शायद अगले चुनाव के मैंडेट के बाद ये होगा, ऐसा हमको लगता है। बिल्कुल, और साथ ही जो मिडिल क्लास की हम बात करें कि ठीक है कि इनकम टैक्स का स्लैब, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन संजय जी ये भी ऐलान किया गया है कि जो घर हैं, जो उनका एक सपना होता है हर व्यक्ति का कि हमारा घर अपना हो, उसको पूरा करने के लिए सरकार एक योजना लेकर के आएगी। तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके घर तो बढ़ाएंगे ही, साथ साथ मिडिल क्लास के लिए भी एक योजना की बात कही गई। ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने पूछा। देखिए क्या है कि ये सरकार जो है, पॉलिटिकल रिस्पॉन्सेस इसके बड़े तेज और चपल होते हैं। वो ये कि अब चूंकि माइग्रेशन बहुत हो रहा है, लोग दूसरे इलाकों में मूव कर रहे हैं, बड़े शहरों में मूव कर रहे हैं, नॉर्थ से साउथ में मूव कर रहे हैं, और ऐसे में घर, रेंट और ट्रांसपोर्टेशन, ये तीन महंगी चीज़ें हैं जो कि हम और हमारा वाला जो परिवेश है उसमें लोग महसूस करते हैं। तो अब गरीबों का घर बनाने के बाद लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास को अफोर्डेबल हाउसिंग दी जा सके, इसके लिए भी एक थोड़ा सा बोल्ड साहसी काम करने की ज़रूरत है और उसको वित्तीय सहायता की ज़रूरत है। तो बिल्कुल ये टाइमली है, जबकि ये अब एक, ये कहिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना का एडिशन 2 होगा, जो मिडिल क्लास के उन लोगों के लिए होगा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्रिटिकल रोल प्ले कर रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं, वो एबल बॉडीड वर्क फोर्स हैं और उनको घर की ज़रूरत है, तो वहाँ ये सहयोग आएगा, क्योंकि अभी तक ज़मीन को लेकर के उसको खोला नहीं गया था, जबकि ज़मीन है हिंदुस्तान के बड़े शहरों में और उसके आसपास, लेकिन अब वो शहर बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं, 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर का दायरा हो रहा है। ऐसे में इस एक्टिविटी का बिल्कुल ये वेल टाइम्ड है कि इसको पूरा सपोर्ट किया जाए ताकि हाउसिंग एक्टिविटी बढ़ेगी, तो वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में बहुत तेजी से काम करती है, क्योंकि देखिए मैन्युफैक्चरिंग में वक्त लगता है, मैन्युफैक्चरिंग में हम थोड़ा पीछे हो गए, इसीलिए अब कोशिश ये है कि जो सर्विसेज हैं वो, और दूसरी तरफ हाउसिंग से लेकर टूरिज्म जैसे सेक्टर्स पे ज्यादा जोर लगा दिया जाए, तो इसमें रिजल्ट जल्दी आता है। आपने जो बात कही कि 9% की ग्रोथ होनी चाहिए, आपको लगता नहीं कि ये सिर्फ 4 साल या 5 साल या 10 साल के लिए, बल्कि कई दशकों तक आपको इसको मेंटेन करना पड़ेगा, तभी आप जो गरीबी में लोग हैं इनको बाहर ला सकते हैं? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, जो $10,000 पर कैपिटा इनकम का एक आदर्श लक्ष्य होना चाहिए जो बहुत दूर है, उसके लिए 9-10% का अगर एक ग्रोथ हमारे अगले 10-15 साल तक मजबूती से हो जाए, तो वो बात बनेगी जो हमारी ख्वाहिश है। एक चीज़ और बताइए सर, आप क्योंकि सब चीज़ समझते हैं, मार्केट भी समझते हैं, सेंसेक्स बड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी अभी रेड में दिखाई दे रहा है, अभी जो सेंसेक्स था वो ग्रीन में था, निफ्टी रेड में था, ये जो फ्लक्चुएशन है ये किस लिए है, ये मोमेंट्री है या बड़ा इम्पैक्ट है, कैसे समझे?
जनरली बहुत कम सरकारें ऐसी होती हैं और ये सरकार तो बिल्कुल भी नहीं जो बजट बनाते वक्त मार्केट का या सेंसेक्स का ध्यान रखे। इसलिए मुझे लगता है कि वो मार्केट जो है ये जो सोचता है कि कोई एक ऐसा बूस्टर डोज एक बड़ा वाला अनाउंसमेंट आ जाए जिसको लेकर के अभी 1500 ऊपर हो जाए, ये बजट उस टारगेट ऑडियंस के लिए है ही नहीं। वो तो जब कॉर्पोरेट टैक्स का उन्होंने किया था तब रॉकेट बना था। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं उस पर कहा इन्होंने, लेकिन वो पुरानी बातें हैं तो ये लोग सब जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि भाई कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो 30% से घट करके 22% पर आ गया है, उसका वो फायदा ले चुके हैं। अब सोच रहे थे कि आज कोई बहुत बड़ा वैसा अनाउंसमेंट आ जाए जो डायरेक्ट मार्केट इंपैक्टिंग हो, तो शायद वैसा नहीं है। लेकिन इसमें बहुत सारी वो बातें हैं जो मार्केट जब धीरे धीरे रीड करेगा तो वो ढूंढेगा नए नए सेक्टर कि यहाँ पर ग्रोथ होनी है, यहाँ काम होना है, और फिर वो इसको प्रोपेल करेगा। जैसे स्टार्टअप्स है, स्टार्टअप्स के लिए उन्होंने कहा है कि कुछ इंसेंटिव दिया जाएगा, तो आपको लगता है कि ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कि अभी बहुत काम करने की जरूरत है? स्टार्टअप अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। स्टार्टअप में बहुत अच्छी खूबसूरत सफलता की स्टोरीज़ भी हैं, प्रॉब्लम एरियाज़ भी हैं, इसलिए वहाँ पर अभी स्टार्टअप में भी एक प्रकार का जो मेनस्ट्रीम बिजनेस के बारे में अप्रोच होता है चीज़ों को मजबूत बनाने का और क्लीन करने का, वो ज़रूरत स्टार्टअप में भी अब लगेगी। कि शुरू में हम थोड़ा सा इसमें रोमेंटिसाइज ज़्यादा कर रहे थे, अब थोड़ा रियलिटी चेक हो रहा है। कुछ बड़ी कंपनियों के परफॉर्मेंस को लेकर के सवाल सामने आए हैं जिनको हम लोग आइडियल मानते थे, तो अब थोड़ा सा वहाँ पर एक कॉशन बेहतर है। लेकिन मुझे लगता है कि स्टार्टअप को जो हम देखते हैं ना, हमेशा सिर्फ टेक्नोलॉजी से जोड़ करके देखते हैं, लेकिन स्टार्टअप का दूसरा दो पक्ष और है जो शायद नॉन टेक है, जो ब्रिक एंड मोर्टार से जुड़ा हुआ है, जो ओल्ड इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है और जो सर्विसेज से जुड़ा हुआ है और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़ा हुआ है, उसमें हिंदुस्तान में बहुत स्कोप है। दरअसल वो काम हो रहा है, वो भी किसी अम्ब्रेला के नीचे ला करके उसकी ब्रांडिंग या एग्रीगेशन नहीं हो पाई, इसलिए हमको दिख नहीं रहा है। एक चीज और बताइए संजय जी, अगर मैं आपसे पूछूं इस आज के बजट की, आज के वोट ऑन अकाउंट की तीन हेडलाइंस बोल्ड है, ब्यूटीफुल है, और चुनाव को मद्देनजर रखते हुए 2024 के चुनाव 2 महीने के बाद होने जा रहे हैं, कभी भी अनाउंसमेंट हो सकता है, कैसा क्या कैसे रेट करना चाहिए आउट ऑफ 10? जैसा मैंने कहा कि चुनाव का और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का दोनों का एक सेक्युलराइजेशन इन द अदर टर्म, अदर मीनिंग ऑफ द टर्म, वो हो गया है। तो इसका हेडलाइन एक ही है सुमित, 4 जात 400 सीट की बात। हालांकि कोई बड़ा राजनीतिक ऐलान जिसको कहा जाए उस तरह का किया नहीं गया संजय जी, कि जिससे कि लोक लुभावन जिसको कहा जाए, कि आपको याद होगा यूपीए के टाइम पर 2009 में घोषणा कर दी गई थी किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाए, इवन पीयूष गोयल ने आपको याद होगा कि कुछ टैक्स लैब में टिंकरिंग उसने किया था। जरूरत नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि अब आपके बेनिफिशरीज लाभार्थी बहुत क्लियरली डिफाइंड हैं, वेल आइडेंटिफाइड हैं और आप उन तक पहुंच पा रहे हैं। तो एक प्रॉब्लम और है कि हम लोग मीडिया में इश्यूज को तब मानते हैं जब वो हेडलाइन साउंडिंग हो। हो सकता है चीजें हेडलाइन साउंडिंग ना हो लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो, और वो हम लोगों को कई बार लगता है कि ये रूटीन बात है, स्कीम का एक्सपांशन है या एक्सटेंशन है या थोड़ा उस पर और वैल्यू ऐड हो गया है, इतना ही है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि उस तरह की हेडलाइन इस बजट में भले ही ना हो, लेकिन एक हेडलाइन मेरे लिए है जो ऑन अ वेरी सीरियस नोट, वो ये है कि हिंदुस्तान की जो एम्बिशंस हैं और जो एनर्जी है उसको कैप्चर करने के लिए, लोगों को काम देने और उस एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए ये सरकार बड़ी फोकस्ड है, और वो मुझे लगता है कि बिल्डिंग ब्लॉक्स यहाँ पर बिल्कुल सही तरीके से हैं। जो बड़े ग्रोथ की बात है ना, वो मैंने कहा कि वो कुछ कंटेंसियस इश्यूज हैं और वो क्रिटिकल इश्यूज हैं, वो शायद सरकार इस मैंडेट के बाद, चुनाव के रिजल्ट के बाद जब वापस आएगी तो उसको एड्रेस करेगी। हैशटैग बजट विद NDTV के साथ आप अपनी प्रतिक्रियाएं भी हमको भेजते रहिएगा, हमारी वेबसाइट पर, हमारे ट्विटर हैंडल्स पर लगातार वो चल रही है। संजय पुगलिया जी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी आपने बड़े आसान नहीं ऐसे नहीं आ सकते ऐसे अभी एक सवाल और, जो आपने आते से ही बाउंसर मारा था अखिलेश के लिए, वो मैं बाउंसर पलट कर आपको फेंक रहा हूं, आपको रियायत नहीं मिली टैक्स लैब्स में, अब आप क्या कहेंगे एक आम हिंदुस्तानी होने के नाते? क्या आप उम्मीद कर रहे थे कि कुछ रियायत मिलेगी, चाहिए थी आपको? इसमें तो मैं अखिलेश के साथ हूं। दुखती रंग। तो सबको रियायत चाहिए, सबको राहत चाहिए सरकारों की तरफ, आदमी इसीलिए उम्मीदों की नजर से देखता है कि आने वाले वक्त में शायद कुछ ऐसी चीजें मिले जिससे उनकी जेब में निजी तौर पर उनको कुछ फायदा हो। लेकिन
आपको देश का विकास भी करना है, आपको 140 करोड़ की जनता के बारे में भी सोचना है, और फिर दुनिया के सामने हिंदुस्तान की जो बढ़ती हुई ताकत है वहाँ पर भी अपनी छाप बनानी चाहिए। ये देखिए नई तस्वीरें हैं, निर्मला सीतारमण स्पीकर ओम बिरला जी के साथ बैठी हुई हैं, और शायद बजट भाषण के बाद की तस्वीरें हैं, स्पीकर चेंबर में इस वक्त। तो लोकसभा अध्यक्ष के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मुलाकात ही हो रही है, और अब से कुछ ही देर में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस अंतरिम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे, वो भी हम आपको सीधा सुनवाएंगे, लेकिन ये अब से कुछ देर पहले की मुलाकात है। देखिए घड़ी का जो समय वो 12 बजे बता रहा है, तो जो बजट पेश किया गया उसके बाद जाकर के मिली है, और ये कस्टमरी एक जिसको कहा जाए कि परंपरा है जिसमें मुलाकात होती है। सुबह भी आज हमने देखा था कि पूरा जो उनका कार्यक्रम था राष्ट्रपति के पास गई, उसका कैबिनेट की मीटिंग हुई, बजट का भाषण दिया, और उनकी साड़ी के ऊपर भी आप सुबह से चर्चा कर रहे थे रंग को लेकर। बिल्कुल, नीला रंग की साड़ी पहनी हुई थी, नीला रंग किसके लिए इस्तेमाल होता है राजनीति में हम सब जानते हैं। बिल्कुल, वैसे अब हम लोगों को एक काम करना चाहिए, प्रोग्रामिंग के नाते कोई भी बजट भाषण या बड़ी चीजें होती हैं, और अभी प्रधानमंत्री भी बोलेंगे, तो देखना ये चाहिए कि किन इलाकों के नाम जी, किन अलग अलग सेक्टर्स के नाम क्या क्या लिए गए हैं। तो आप देखेंगे कि सर्वाइकल कैंसर लड़कियों के लिए उसका संबंध किस इलाके में ये ज्यादा प्रॉब्लम है, या फिशरीज को बढ़ाने की बात है तो किस इलाके के लिए है, या लक्षद्वीप है तो लक्षद्वीप का क्या महत्व है। तो आप स्थानों को या ये जो एलिमेंट्स हैं इसका नाम बनाएंगे तो उससे भी आपको वोटर टारगेटिंग का पता चल जाएगा। बिल्कुल, और जो आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता है महिला है उनमें उनको भी आयुष्मान भारत की योजना का लाभ मिले, ये भी एक घोषणा की गई। हालांकि आयुष्मान का लोग उम्मीद कर रहे थे इसको 5 लाख से बढ़ा करके 10 लाख कर दिया जाएगा, वैसे ही कोई बात हुई नहीं है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो परिस्थिति अभी ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। अब ये देखना होगा कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कहां से मीन मेक निकालेंगी, उनको कहां से लूप होल्स मिलेंगे, और वो इस पर टिप्पणियां करनी चाहेंगी, उनकी इस बजट भाषण को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगी। एक चीज़ और था अखिलेश जी, आपको याद होगा 2019 में जब आया था पीयूष गोयल साहब जो वोट ऑन अकाउंट लेकर आए थे, तब तक चुनावी माहौल बन गया था देश में, और इसीलिए उन्होंने ऐसी तमाम चीजें की थी उस वोटर अकाउंट में जिसको हमने कहा कि चुनावी भाषण ही था पूरा, और वो करीब 1.25 घंटे का भाषण था, बड़ा भाषण था। टैक्स लैब्स में चेंज हुए थे, किसान निधि की अनाउंसमेंट उसी में हुआ था, 6,000 रुपये जो मिलते हैं किसानों को आज भी, हम जिसमें उम्मीद कर रहे थे कि आज बढ़ जाएगा, वैसी चीजें आज नहीं दिखाई दी। उसकी वजह शायद ये है कि अब इस बार सरकार ज्यादा कॉन्फिडेंट है। बिल्कुल, यही बात जो हमने शुरुआत में भी कही थी, और संजय जी से भी ये सवाल पूछूंगा कि क्या आपको लगता है सर ये देख करके कि सरकार आश्वस्त है, क्योंकि किसी भी तरह का कोई नया कोई घोषणा नहीं है जिसको कोई लोकलुभावन बात कही जाए, वो कुछ नहीं है, तो कोई नई बात उन्होंने हट करके की नहीं है। इस सवाल आपसे मैंने पहले पूछा था, लेकिन आप कह रहे हैं कि 4 जात 400 सीट वो फार्मूला और ये संदेश निकलता है, तो इतना कॉन्फिडेंस का इसका क्या कारण है? क्योंकि ये अमूमन होता है कि 10वां साल जब आता है, 9वां साल होता है, तो सरकारें लड़खड़ाने लगती हैं, कुछ ना कुछ इस तरह की बातें आ जाती है कि लगता है कि शायद अब दोबारा ना, और पैनिक में आकर के इस तरह की घोषणाएं करते हैं। नहीं, बिल्कुल मोर देन आश्वस्त है सरकार। दूसरी बात यह है, जैसा कि मैं इंफेसिस दे रहा हूं बार बार, कि वो हेडलाइन हम लोगों की क्या चाहिए इसकी फिक्र नहीं है। इनफैक्ट वो हेडलाइन भले ही ना हो, लेकिन इस बजट में या जो लगातार सरकार का काम चल रहा है उसमें जो रिफाइनमेंट है, जो प्रिसीशन है, वो कमाल का है। इनफैक्ट मुझे वो बड़ी हेडलाइन दिखती है, लेकिन हाँ वो क्या है, बारीक बातें हैं कि आप कैसे टारगेटिंग कर रहे हैं स्कीम्स की, किन इलाकों में कर रहे हैं, उसका क्या बेनिफिट मिलेगा, या एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हम बार बार सुन के बोर हो चुके हैं, लेकिन जब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की बात आती है तो मैं बहुत चौंकता हूं, क्योंकि उसके फार रीचिंग इंप्लीकेशंस हैं। न सिर्फ वो रिमोट इलाकों के बैकवर्ड जिलों को ऊपर उठाने की बात है, उसके अलावा उसके साथ बहुत सारा काम होता है जो कोई भी रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट करना चाहता है। इसलिए मैं मानता हूं कि ये रिफाइनमेंट और अल्ट्रा प्रिसीशन टारगेटिंग ऑफ वोटर्स का बजट है। बिल्कुल, जाहिर इसमें एक चीज़ और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि अब किसी भी पल जब प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया आने वाली होगी, प्रधानमंत्री का एक एक रिएक्शन आता है हमेशा की तरह वित्त मंत्री के भाषण के बाद, अब किसी भी वक्त उम्मीद करनी चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और बजट पर अपनी एक प्रतिक्रिया देश की जनता को ज़रूर देना चाहेंगे कि कैसा बजट रहा, क्या बजट रहा। एक चीज़ और, जो आप 400 सीटों की बात कर रहे हैं संजय जी, उसमें मैं थोड़ा सा राजनीतिक चश्मे से देखते हुए ये ज़रूर कहना चाहूँगा, विपक्ष भी तार तार हो गया है। जो विपक्ष जून 2023 में एक लामबंद होता हुआ दिखाई दे रहा था, जहां पर था कि सब एक साथ मिलकर लड़ेंगे, 1-to-1 का मुकाबला होगा, 1-to-1 का, वो अब तार तार है। जेडीयू इधर आ गया है, जो नीतीश कुमार सूत्रधार थे वो अब आज बजट की तारीफ करेंगे जाहिर तौर पर। अब ममता बनर्जी कांग्रेस को सीटें नहीं दे रही है, पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच असल साफ तौर पर सुनाई दे रही है। इन परिस्थितियों में आपको लगता नहीं है कि ये 400 सीट का जो सपना है, जो आप 4 जात और 400 सीट बोल रहे हैं, वो बीजेपी इसीलिए भी कॉन्फिडेंट और सुनाई देती है?
आप ऐसा कह सकते हैं, और इसके लिए आप इस सरकार को दोष नहीं दे सकते। ये विपक्ष, हाँ, ये विपक्ष की समस्या है कि वो सरकार की आलोचना की भाषा, उसके बाद आपको मैं क्यों देखूं, आपको क्यों वोट दूं, आपकी स्क्रिप्ट क्या है, आपकी स्टोरी क्या है, ये कहने की क्षमता, और फिर आपके समर्थक जो हैं उसको बूथ तक ले जाने की क्षमता। जब ये तीनों ही सवालों के कटघरे में हैं तो आप क्या कर सकते हैं। हम लोग एज अ चैनल, सभी लोग, चूंकि एक बैलेंस और संतुलित पत्रकारिता करनी होती है, तो विपक्ष की मदद करने की बड़ी कोशिश करते हैं, बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड, डोंट बॉदर। कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई हैं इस अंतरिम बजट पर, आइए सुन लेते हैं। She talked frankly about a number of things that are couched in vague language like for confidence and hope and so on. But when it comes to hard figures, there were very few figures available. For example, she talked about foreign direct investment without acknowledging that it has come down as a percentage of GDP, not gone up. She talked about, she didn't talk about unemployment, which has gone up to record levels. She didn't talk about youth unemployment. She didn't talk about declining female labor participation when talking about Nari Shakti. So there were so many omissions. I must say that this is going to be a very, very disappointing speech in terms of being couched entirely in generalities and without enough substance, nor any willingness to address the specific problems of the economy. Asli budget to July mein aayega. Interim budget mein koi aisi baat nahi ki. मुझे कुछ बताना नहीं है, ये तो वही पुराना बजट चल रहा है, जो कामें हैं वो करनी है, ठीक है, चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि लोगों को फायदा हो, हमारी तो यही है कि वतन आगे बढ़े, तरक्की करे, इन्फ्लेशन डाउन आए, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, इंडस्ट्रीज बढ़े, हमारी यही तो ख्वाहिश है। सुना आपने विपक्ष की प्रतिक्रियाएं हैं, क्रिटिसाइज करने के लिए, आलोचना करने के लिए बहुत माल मिला नहीं शशि थरूर को और फारूक अब्दुल्ला साहब को। इस पर अरुण जेटली जी जो है एक बड़ा चुटकी लिया करते थे संजय जी, वो ये कहा करते थे कि हम जब विपक्ष में थे और जब माइक लगा कर लोग पूछते थे टीवी वाले कि क्या है बजट के बारे में क्या कहेंगे, तो अटल जी हों या बड़े नेता हों, तो वो कह दिया करते थे ये महंगाई बढ़ाने वाला बजट है, इससे बेरोजगारी बढ़ेगी। तो वो एक कुछ रटे रटाई बातें होती जो विपक्ष हमेशा, चाहे कोई भी पार्टी, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, वो करती है। बिल्कुल, तो इसमें यही उसी का मान के चला जाए कि इस तरह की प्रतिक्रिया यहाँ पर आई है। लेकिन एक सवाल मैं आपको जाने से पहले संजय जरूर पूछूंगा। लक्षद्वीप का आपने खास तौर से जिक्र किया, इसका बहुत निहितार्थ है इसके भी। आपने कल विदेश मंत्री जी का इंटरव्यू भी किया था, आपने उनसे प्रश्न भी पूछा था, और लक्षद्वीप हो मालदीव हो, ये जो जिस तरह से एक पूरा विवाद चल रहा है, और लक्षद्वीप का नाम लेना, और उस समय जब नाम लिया तब सांसदों का मेजे थपथपाना, ये भी एक बड़ा संदेश है। बिल्कुल, तो जिस चीज पर अगर आप ध्यान दें कि अयोध्या के 22 जनवरी के पहले प्रधानमंत्री ने अपना ज़्यादातर वक्त महाराष्ट्र और दक्षिण के राज्यों में गुजारा, और उसके पहले लक्षद्वीप की घटना हुई, तो वही अल्ट्रा प्रिसीशन टारगेटिंग, फाइंडिंग न्यू एरियाज, न्यू टेरिटरीज, न्यू कैचमेंट एरियाज। तो अब चूंकि आपने चर्चा छेड़ी दी है, और हम लोगों की एक बीमारी है ना कि वी विल स्टिक आवर नेक आउट डिस्पाइट बीइंग प्रूव्ड रॉन्ग अगेन एंड अगेन और मे बी राइट सम टाइम। तो उसमें यह है अखिलेश कि दक्षिण भारत में हम कहते थे ना बीजेपी यहाँ पर नहीं पनप पाएगी, इसके चैलेंजेस हैं, उसमें केरल और तमिलनाडु दो बड़े ऐसे राज्य माने जाते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस बार का इनका जो आउटरीच है साउथ में, बीजेपी को सिग्निफिकेंट फायदा उसका वोट शेयर के टर्म पे होगा, जिसको कहते हैं ना कि अपनी एक दुकान खोलना, सिग्निफिकेंट लेवल पे काउंटर ओपन हो जाना। तो मुझे लगता है कि साउथ का जो आउटरीच है वो बहुत ही वृहद है, और ये अयोध्या के इर्द गिर्द राम जो हैं साउथ में एक अलग ढंग से देखे जाते हैं, उसको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। तीसरी बात टूरिज्म की है, चौथी बात जो मैंने बहुत हल्के में जिक्र की और ये किसी दिन लंबे विचार का विषय है, बिल्कुल, कि इस वक्त केरल में ब्लू कॉलर मजदूर नहीं मिलते, तो वहां पर ब्लू कॉलर मजदूर कौन है, कहां से गया हुआ है? नॉर्थ से गया हुआ है। ये जो माइग्रेशन हुआ है,
और नॉर्थ और साउथ में एक जो एक कमाल का इंटीग्रेशन हुआ है वो हमारे मेनस्ट्रीम मीडिया के रेडार से बाहर की चीज़ है। ये 20 साल से हो रहा था, 10 साल से और तेजी आई, 5 साल में और तेजी आई। इस वक्त गल्फ में जो लोग जाते हैं वो केरल से नहीं जाते, वो यूपी बिहार झारखंड छत्तीसगढ़ राजस्थान से जाते हैं। तो भारत के भीतर का जो माइग्रेशन है वो एक अलग स्टोरी है जो एक अलग ढंग से चीज़ों को जोड़ रही है, और इन नए ट्रेंड्स को जाहिर है कि मोदी जी समझते हैं। तो आप देखेंगे कि जो लक्षद्वीप है वो एक सिंबल है साउथ के उनके मैसिव आउटरीच का। यही कारण है कि इस साल की जो शुरुआत भी उन्होंने वो तमिलनाडु, लक्षद्वीप और केरल के दौरे से की थी। एब्सोल्युटली। और 2-3 हफ्ते के अंदर 3 बार वो साउथ का दौरा भी कर चुके थे। तो ये अपने आप 400 पार अगर करनी है तो दक्षिण में तो इनरोड्स बनाने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिए दक्षिण, इसीलिए वो 400 पार का सपना वहां से भी पूरा हो सकता है। बिल्कुल। अब हम लोगों को ऑन अ सीरियस नोट वायनाड का दौरा करना चाहिए। हालांकि तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री सुमित शुड गो एंड कवर इट, आपने असाइनमेंट दे दिया मेरा अगला सबके सामने। राहुल गांधी नॉर्थ में रहेंगे, हम साउथ चले जाते हैं उनके इलाके में।